नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पटौरिया। आदिवासी हो या फिर आम किसान, जीविका के लिए जल, जंगल और जमीन पर ही निर्भर रहा है, लेकिन आजादी के बाद भी उसे अपना हक पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जी हां, वनांचल के सैकड़ों आदिवासी तथा जंगल में निवासरत गैर आदिवासी समाज के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के वन कानून में संशोधन करने के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। वन स्वराज रैली निकालकर यहां पर आदिवासियों ने कहा कि सरकार पांचवी अनुसूची को सख्ती से लागू करे और पैसा कानून का पालन कराए और खदान और वन्य प्राणियों के नाम पर आदिवासियों को बेदखल करने की कार्रवाई बंद करे। इतना ही नहीं, आदिवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में उनकी नहीं सुनी तो वो हर मोर्चे पर इसका विरोध करेंगे। ऐसे में देखिए हमारी खास रिपोर्ट, आंदोलन की राह पर आदिवासी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आदिवासी समाज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। राजधानी में सर्व आदिवासी समाज और साथ ही साथ वन स्वराज रैली का उन्होंने आयोजन किया और केंद्र और राज्य सरकार के वन निवासी नीतियों के विरोध में हुंकार भरी। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार आदिवासियों तथा जंगलवासियों के अधिकार पर नीतिगत हमला कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बेदखली का केस चल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि सरकार दमदारी के साथ वनवासियों के अधिकार को लेकर लड़ नहीं रही, ऐसा उनका कहना है। इसके विरोध में आदिवासी और वनवासी विरोध कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करने से पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये रैली, ये हुकार, ये शोर, ये हल्ला, ये नारे, ये भीड़, नजारा राजधानी के पूरा तालाब धरना स्थल का। ये उन लोगों की भीड़ है, उन लोगों की ये तस्वीरें हैं जिनका ये पूरा छत्तीसगढ़ है। ये मूल निवासी वनवासियों की भीड़ है, ये राजधानी में अपनी मांग को लेकर पहुंचे हैं। इस सड़कों पर सरकार को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, उन्हें ये बताने के लिए पहुंचे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये तस्वीर वन स्वराज आंदोलन रैली की है। देश भर से पहुंचे आदिवासियों ने सरकार के समक्ष अपनी पीड़ा को जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ में जल, जंगल, जमीन की लूट हो रही है। पांचवी अनुसूची ऐसे कानून का पालन नहीं हो रहा है। खदान, बांध और वन्य प्राणियों के नाम पर वनवासियों को बेदखल किया जा रहा है। आदिवासियों के और जंगलवासियों के जो वन अधिकार हैं उन पे सरकारों द्वारा जो नीतिगत हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ आज प्रदेश भर से सिर्फ आदिवासी नहीं, समस्त जन संगठन के लोग यहाँ पर एकजुट होकर के विरोध दर्ज कर रहे हैं। किन किन मांगों को लेकर? देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट में वन अधिकार कानून के खिलाफ जो प्रकरण चल रहा है उसमें सरकारें जनता की ओर से ढंग से पैरवी नहीं कर रही है। दूसरा, वन अधिनियम 1927 में संशोधन के माध्यम से जनता के अधिकार जंगल से खत्म करने की जो साजिश हो रही है उसके खिलाफ। आदिवासियों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम आदिवासियों के साथ हैं, सरकार आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम वन अधिकार पट्टा आदिवासियों को बांट रहे थे, अब इस मामले में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। जहाँ तक प्रश्न खदान का है तो केंद्र के अधीन है। वो खाली वन अधिकार पट्टे का नहीं है, वन से जुड़ी हुई अन्य जो उनकी समस्याएं हैं वो महामहिम अपने राज्यपाल महोदय के पास वो लोग जाके अपनी बात रखेंगे, तो ठीक है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, अपनी बात रख सकते हैं। सरकार के कारण से ये संभव ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ PIL लगाए थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया था, तो राज्य सरकारों को जहाँ जंगल है और जहाँ वन अधिकार अधिमान्यता पत्र देना है तो राज्य सरकारों की ओर से जवाब दिया गया और इस कारण से रिलैक्सेशन मिला था। अभी बीच में फिर हाईकोर्ट में किसी ने PIL लगा दिया था, 2 महीने तक स्टे था, अब वो वेकेट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, जैसे वो फैसला हो जाता है
फिर से हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में यहाँ जो जंगल में रह रहे हैं उसे अधिक रामानकारी न माना जाए। फिलहाल आदिवासियों ने अपनी एक दिन रैली कर सरकार को चेतावनी दे दी कि मूल निवासियों के साथ हो रहे शोषण को रोकिए, नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। इस आंदोलन को समर्थन देंगे बस्तर मनीष कुंझा, उत्तर बस्तर से सोहन पोटाए, राजहरा से मुक्ति मोर्चा के जन ठाकुर, रायपुर से सीपीएम के संजय पराते सहित अन्य किसान संगठनों के नेताओं ने भी साथ दिया। लेकिन आदिवासियों के इस आंदोलन से यह तो साफ हो गया है कि वे जल जंगल जमीन की लड़ाई किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे सरकार भाजपा की हो या फिर कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट रायपुर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं राजेंद्र तिवारी जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और साथ ही साथ अरविंद नेताम जी हैं जो कि संरक्षक सर्व आदिवासी समाज, और शशांक शर्मा जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये तीनों ही लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा राजेंद्र तिवारी जी से है। राजेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जाए आपकी सरकार या आपके मैनिफेस्टो की बात करें तो जल जंगल जमीन और आदिवासियों का जिक्र आपने पुरजोर तरीके से किया था, उसमें दर्शाया था और हर मंच से आप ये कहते भी आए हैं, फिर आज क्यों ये जो आदिवासी हैं सर्व आदिवासी समाज आंदोलन या फिर पैदल यात्रा करने के लिए क्यों मजबूर है? आपसे सवाल है अंतिम मेरे को सही। जी 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 तिवारी जी, आपसे सवाल है कि आपके मैनिफेस्टो हो चाहे हर मंच से आपके द्वारा कहा गया कि जल जंगल जमीन आदिवासियों के हितों की हम रक्षा करेंगे, फिर आज आदिवासी समाज सड़क पर क्यों उतर आया है, इसकी वजह क्या है? राजेंद्र तिवारी तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए अब आदिवासी सड़कों पर उतर आए हैं और हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं पैनलिस्ट। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा जो कि सर्व आदिवासी समाज के नेता हैं, जिस तरीके से आपके द्वारा ये किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं जिन्हें आपको लगता है कि राज्य सरकार के द्वारा पूरी नहीं की जा रही है या फिर राज्य सरकार को पूरी करनी चाहिए जिसके लिए आपको आंदोलन करना पड़ रहा? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या आज देश में है आदिवासियों के सामने, आदिवासियों के हित में समय समय पे पार्लियामेंट में बहुत से कानून बने हैं, संविधान भी है। आदिवासी समाज की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जो कानून बना है पार्लियामेंट में या संसद में या केंद्र सरकार में, उसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, देश की जितने भी राज्य सरकारें हैं। पर ऐसा हम अनुभव करते हैं कि बहुत से कानूनों को ईमानदारी से राज्य सरकारें लागू नहीं कर रही हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार जो कांग्रेस की सरकार बनी है अपने मैनिफेस्टो में इस बात को कहा है और बहुत गंभीरता से इस बात को कहा है और उस दिशा में कुछ प्रयास हो रहा है, पर बहुत स्लो है, बहुत धीरे है। उनको बहुत स्पीडली इस बात को करना चाहिए ताकि विश्वास हो जाए आदिवासी समाज में। ठीक है तिवारी जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है? अरे वो है नहीं, यंत्र है। तिवारी जी तक आवाज पहुंची। शशांक जी, जिस तरीके से देखा जाए अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का ये मुद्दा हमेशा से सबसे अहम रहा है, चाहे वो कोई भी रैली करे, कोई भी मंच पर बोले, कोई भी नेता, आदिवासियों को लेकर वो हमेशा आगे रहते हैं और अभी बस्तर के चुनाव में भी एक तरीके से जाहिर कर दिया गया है कि आदिवासी उनके साथ हैं। लेकिन क्या जिस तरीके से आदिवासियों को आज रोड पर उतरना पड़ रहा है तो हालात अगर वही बने रहे तो फिर कांग्रेस को लाने का उनके लिए फायदा क्या हुआ? देखिए, ऐसा है कि आंदोलन करना हमारे यहाँ लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि देश की व्यवस्था जो है वो तीन स्तंभों पर टिकी है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो अगर कार्यपालिका किसी विषय को लागू करने में अगर कोताही बरत रही है और विलंब करती है तो उस पर विधायिका का एक दबाव है, और हम मानते हैं कि 29 विधायक छत्तीसगढ़ में जो हैं वो जनजाति हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दबाव बनाने का दबाव समूह अगर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो एक जनजाति बाहुल्य राज्य है अगर वो कोई हो सकता है
तो मुझे लगता है कि हमारे विधायक महोदय जितने हैं उनको दबाव बनाना चाहिए। और लेकिन ये केवल विधायिका और कार्यपालिका के बूते की बात नहीं है, सवाल है कि क्या न्यायपालिका में ये विषय अटके हुए हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वन अधिकार कानून हो चाहे जो दूसरे कानून हो जो PIL के माध्यम से कार्य न्यायपालिका में जाके अटक जाते हैं, तो कार्यपालिका विधायिका के लिए भी एक संकट का अवसर खड़ा हो जाता है कि वो कैसे इसका निदान करें। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखना एक स्वाभाविक है, और मैं आदिवासियों के जनजाति जो समूह हैं उनकी मांग से पूरी तरह से सहमत हूँ। और ये मांग आज के नहीं है, ये पिछले 30 वर्षों से चल रहे हैं। पेशा बने 1996 में पेशा एक्ट आ गया, लेकिन आज आप देख लीजिए 22-23 साल के बाद में भी वो अभी तक लागू नहीं हो पाया है, 18-19 साल के बाद में भी। तो मुझे लगता है कि सरकारों को इस पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। जनजाति समाज जो है वो कुछ पाने के लिए सड़क पर उतरने वाला समाज नहीं है, यह तो पूरी सृष्टि को प्रकृति देने वाला समाज है जो हमेशा अपने सादगीपूर्ण जीवन प्रकृति के बीच में बिना किसी से कुछ लिए जीने वाला समाज है, जिसने हमेशा दुनिया को दिया है। अगर उसको पैदल चलकर सड़क पर उतरना पड़ता है और इतनी तकलीफें सहकर अपनी मांग रखनी पड़ती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कितनी जल्दी उनको सुविधाएं दें, उनकी मांगों को पूरा करें, और वही मांगे जो पिछले 30 वर्षों से जिसकी आड़ में कई राजनीतिक दल, कई जो NGOs हैं जो अपनी राजनीति चमकाते हैं, जिसको इन्होंने एक तरह से व्यवसाय बना रखा है, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। हर कार्यपालिका विधायिका का दायित्व तो होना चाहिए कि जनजातीय समाज के प्राथमिकता से उनकी मांगों पर विचार करें, लेकिन जो मामला न्यायपालिका में है उसको कैसे सुलझाएं और कैसे आगे बढ़े, मुझे लगता है इस पर भी गंभीरता से विचार हो। ठीक है राजेंद्र जी, अब आप तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी, लेकिन जिस तरीके से आपके द्वारा या आपकी पार्टी के द्वारा हमेशा ये कहा गया कि जल जंगल जमीन और आदिवासियों के हित में हम खड़े हैं और कटिबद्ध प्रतिबद्ध हैं, लेकिन आज आदिवासी समाज जो है वो क्यों सड़कों पर उतर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, और ये अगर उतर भी रहा है तो इनकी जो मांगे हैं वो कब तक पूरी होंगी? ये तो अभी नेताम जी बता रहे थे, शायद राष्ट्रीय स्तर पर ये इस तरह के प्रदर्शन आदिवासी भाइयों बहनों के द्वारा किया जा रहा है। मैं एक बात रेखांकित करके आपसे कहना चाहूंगा, एक तो बड़ी देर की मेहरबान आते आते ये आपका यंत्र अब जाकर के काम करना चालू किया है, इसलिए अब मैं कुछ बातें कह सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो हम प्रचंड बहुमत के साथ आज छत्तीसगढ़ में सत्ता पर बैठे हुए हैं, उसका मुख्य कारण, बहुत बड़ा कारण, आदिवासी समाज ने जो हमको आशीर्वाद दिया, भूपेश बघेल जी को जो अपनी कृपा बरसाई आदिवासी समाज ने, और ये देखते हुए कि इस आदमी ने आदिवासियों के हित के मामले को, अब बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा और आपने तो आज 3 गेस्ट बैठा ला है, आधे घंटे का समय जिसमें आधा निकल गया है, जिस तरह का संघर्ष आदिवासियों की समस्याओं के निदान के लिए भूपेश बघेल जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए उठाया, और कुछ मामले तथा तात्कालीन भारतीय जनता पार्टी को वापस लेने पड़े थे, भूमि अधिग्रहण की जो उनकी नीति वगैरह थी, उसके बाद में आदिवासी समाज को ये लगा कि कांग्रेस और भूपेश बघेल जी के हाथ में हमारा भविष्य, हमारा हित पूरी तरह से सुरक्षित है, और इसलिए हम प्रचंड बहुमत के साथ में यहाँ सत्ता पर आए। ठीक है, और आते के साथ में भूपेश बघेल जी ने क्या काम किया, शायद सुन लीजिएगा, पूरे भारत में ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि 15 साल से आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित की गई थी कारखाने के नाम पर, प्लांट के नाम पर, और उस जमीन को वापस करने का काम, तेंदुपत्ता का बोनस जो केवल 2,500 भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिलता था उसको 4,000 करने का काम, और ये अभी जो न्यायालय की बात चल रही थी, कुछ प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है जिसके कारण हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो हो जाए। हम एक बात आपके साथ में बहुत दृढ़ता के साथ में कहना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार, आज बस्तर के बड़े लोकप्रिय मुख्य मंत्री हैं श्री कवासी लखमा, उनके साथ काफी लंबी बात चल रही थी मेरी, हम लोग बैठे हुए बात भी कर रहे थे। देखिए,
विधानसभा चुनाव जब हुए उसके बाद में दो उपचुनाव हुए हमारे यहाँ पिछले महीने, और वो हम उसको एक कसौटी के रूप में ले रहे थे। राजन जी समय कम है, आप इस समय थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं। चुनाव हुए थे, आपको बहुमत मिला, आदिवासियों ने आपको सपोर्ट किया, सब जानते हैं, पर आप आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी कौन कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर वो उतर रहे हैं? क्या वो सभी कोर्ट में लंबित हैं जिन्हें लेकर आज वो समाज? हम आदिवासियों की सभी मांगों को जो संविधान के दायरे में है उसको पूरा करने के लिए कृतसंकल्पित है। और एक एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका तो कहीं उल्लेख ही नहीं आ रहा है, वो ये है कि आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण की जबरदस्त समस्या है। हमारे यहाँ 41.5% हमारी माताएं बहनें कुपोषण की शिकार है, 39% बच्चे कुपोषण के शिकार है। तो दोपहर का जो आज चालू किया है भोजन भूपेश बघेल जी की सरकार ने, वो सबसे पहले तो हम इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि हमारे नौनिहाल पूरी तरह से स्वस्थ रहे, क्योंकि अगर स्वस्थ उनका तन ही स्वस्थ नहीं होगा तो मन कहाँ से स्वस्थ होगा, और बाकी की कहानी आगे कैसे पूरी हो पाएगी। तो सबसे पहले उनको स्वस्थ करने का प्रयास हो रहा है कि अगर आप उन्हें स्वस्थ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से वो जिन मांगों को लेकर अभी सड़क पर उतरे हैं, पहले तो ये बताइए कांग्रेस उन कितनी मांगों को जायज मानती है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। जितनी भी अब ये मांगे तो अभी देखा नहीं हम लोगों ने कितनी मांगे हैं, लंबे चौड़े ये 3 पेज की उनकी मांग है। इसमें जो भी न्याय संगत मांग है और जो भी संविधान के अंतर्गत मांग है, मैं एक बात और उल्लेखित करके कहना चाहूंगा विशेष रूप से कि जल जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस कृत संकल्पित है, ये उनका अधिकार है, उनको उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अरविंद जी की उनकी अभी उन्होंने कहा कि 2-3 पेज का ही कागज है, ऐसे 2-3 पेज में ऐसे कौन कौन सी मांगे रखी हैं? 2-3 पेज भर गए, अभी उन्होंने कहा कि 2-3 पेज में लिखी हुई है मांगे, ऐसी कौन कौन सी मांगे? देखिए समाज का मांग तो बहुत से हैं, पर मैं जो मुख्य मांगों के बारे में पहले भी चर्चा किया हूं, अभी भी मैं उसको फिर से दोहराने की प्रयास कर रहा हूं, जो पूरे समाज को आंदोलित कर रहा है, ठीक है, वो है ये पेशा कानून, जिसमें कांग्रेस ने कहा है कि हम इसको ईमानदारी से लागू करेंगे। चलिए ठीक है, पर जैसे मैंने कहा कि राज्य सरकार की इसमें कार्यवाही बड़ा स्लो है, उसी प्रकार वन भूमि अधिकार कानून में थोड़ी बहुत प्रगति हुई है, भूमि अधिग्रहण कानून में भी जैसे तिवारी जी कह रहे थे उसमें भी कुछ कार्यवाही हुई है। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस सरकार शुरू से इन मुद्दों पे इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक के जितने भी कानून बने हैं, ये सब कांग्रेस के शासन में बने हैं, और कांग्रेस पार्टी के अपनी उद्देश्य रहा इसीलिए। और इन वर्गों कांग्रेस पार्टी ने आप कह रहे हैं, आप अपनी बात नहीं देख रहे हैं, जब आप कह रहे हैं सब कुछ कांग्रेस ने किया है, कार्य हो रहा है, कार्य चल रहा है, तो धैर्य रखिए। फिर अभी यहाँ पर आपको मांग कौन कौन सी है? आप एक तरफ कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं पूरी तरीके से, कह रहे हैं कांग्रेस सब कुछ कर रही है, तो फिर आंदोलन रोड पर उतरने की बात ही खत्म हो जाए। मैं पक्ष की नहीं, आप मांग रखिए ना, आप कौन कौन सी ऐसी कौन सी मांगे जो कांग्रेस पूरा नहीं कर रही, या फिर आप जोर देना चाहते हैं कि कांग्रेस वो पूरा करे, वो बताइए ना आप। अरे भाई वही तो हम कह रहे हैं, ये भूमि अधिकरण कानून का और आपके वन भूमि अधिकार कानून, सबसे बुनियादी चीज है पेशा कानून। पेशा कानून का अभी तक के कोई प्रयास हुआ नहीं है राज्य सरकार में, और ये पूरे समाज को जोड़ के रखने वाली कानून है। ऐसा कानून देश के संविधान में कहीं पार्लियामेंट में कभी बना नहीं जो अभी इस बार बना है, और ये अगर लागू हो गया तो मैं समझता हूँ कि आधी से ज्यादा समस्या आदिवासी समाज की हल हो जाएगी। ठीक है, और ये जो कहा जा रहा है कि जंगल हड़पे जा रहे हैं, जमीन छीनी जा रही है, आदिवासी को बेघर किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके बारे में पूरे देश में आदिवासी इलाके में रिजेंटमेंट है, असंतोष है, और बहुत से स्वयंसेवी संस्था इसको टेकअप किए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार की मंशा आने वाला समय में आदिवासियों को बेदखल करके और उनके जमीन को कारपोरेट घरानों को देने की कहीं ना कहीं दिखती है, और खास करके जहां खनिज संसाधन है उनको कैसे इनको हैंडओवर करने की तैयारी में है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट में अगर ठीक से लड़े होते भारत सरकार, तो मैं समझता हूँ ऐसे फैसले नहीं आते, क्योंकि जो कोर्ट में किया गया उसमें कॉरपोरेट घरानों की बड़े पूंजीपतियों की बात ही कहा गया है, और इसीलिए ऐसा फैसला आया है, ऐसा मान के चलता हूँ। चलिए ठीक है, राजन जी सवाल का जवाब दे दीजिए जो उन्होंने बोला कि आप लड़ नहीं रहे ढंग से। देख हाँ, वो नेताम जी आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी बात को पूरी गंभीरता से सुना जाना चाहिए और माना जाना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। वो जितनी भी बात कर रहे थे वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उम्मीद है कि उनकी बात सुनेगी बिल्कुल, कि छत्तीसगढ़ में हाँ हम तो सुनते हैं ना, हम लोग तो सुनते हैं, अनुसरण भी करते हैं। देखिए स्पष्ट बात यह है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हित के लिए भूपेश बघेल जी व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहे हैं, शायद उन्होंने जितना दौरा बस्तर या सुदूर वनवासी अंचल का किया है 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने नहीं किया था। मैं इसको राजनीतिक दिशा नहीं देना चाहता हूं, मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में किसी भी आदिवासी को बेदखल करने का काम नहीं किया है, बल्कि उल्टा यहां उदाहरण है कि आदिवासियों को उनकी जमीन वापस मिली है जो बेदखल करके जबरदस्ती उनसे छीनी गई थी। तो छत्तीसगढ़ तो एक उदाहरण स्वरूप पूरे भारत के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि हमने आदिवासियों के हितों के लिए जिक्र किया के कदम उठाए, कोर्ट में आदिवासियों का जीवन स्तर सुधर सके। आप ठीक है, उन्होंने दौरा किया, आपने वो जमीन दबाई, आप बता चुके हैं हमें, लेकिन हमें ये बताइए कि उन्होंने कहा है कि आप लड़ नहीं रहे हैं ढंग से, कर रहे हैं हम चाहते हैं राजघराने के बड़े लोग ऐसा होने नहीं दे रहे हैं, हम तो पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। नहीं 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 मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार, मैं जवाबदेह हूँ छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए, श्री भूपेश बघेल की सरकार जिस तरह से आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रही है, मैं उसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और केवल बात वहीं तक करना चाहता हूँ, बाकी कहाँ क्या कर रहे हैं किस राज्य तो राजन जी ये कहा जा सकता है कि आज जो आंदोलन हुआ या जो आंदोलन हो रहा है वो दोबारा से नहीं होगा, उनकी उन्होंने जो मांगे रखी हैं वो मांगे पूरी हो जाएंगी, उन्हें रोड पे नहीं उतरना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार आदिवासियों की सरकार है। हम उनकी मांग को बिल्कुल है, आदिवासियों की सरकार है, आदिवासियों के हित से जुड़ी हुई सरकार है, और आदिवासियों के हित के लिए पूरी मनसा वाचा कर्मणा समर्पित है, इस बात को मैं बड़ी गंभीरता से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, और हमारी कोशिश होगी कि ये सारी मांगे, कुछ मांगे हैं अब ये 3-4 पन्ने की मांग है, इसमें कई मांगे तो खैर ठीक है, उस पर व्याख्या नहीं की जा सकती, आप है कुछ मांगे बोल रहे हैं, 3-4 पन्ने भी दिखा रहे हैं, आदिवासियों की हित से संबंधित है उस, जी 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 ये अभी आपके आपके यहाँ के लोगों ने ला करके ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अच्छा है। शशांक जी जिस तरीके से देखा गया, हालांकि नेताम जी ने कुछ प्रमुख मांगे उन्होंने हालांकि रखी, बोला कि कोर्ट में जिस तरीके से उन्हें प्रभावी तरीके से अपना पक्ष रखना चाहिए उस तरीके सरकार नहीं रख रही है, साथ ही साथ उन्होंने पैसा कानून का भी जिक्र किया कि पैसे कानून को लागू जल्द से जल्द किया तो सारी प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट हो सकती है। हालांकि और भी कोई कई मांगे हैं वो जो उन्होंने कहा कि वो ये मुख्य मांगे हैं, हालांकि वो उन्होंने अभी नहीं बताई लेकिन उसमें जिक्र है पेपर में, लेकिन जिस तरीके से आदिवासियों को उन्होंने खुद कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि बहुमत से प्रचंड बहुमत से जिताया, उसके बाद दो चुनाव और हुए उपचुनाव उसमें भी जिताया, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए आदिवासी समाज जब इतना मेहरबान है तो कांग्रेस का कर्तव्य तो बनता ही है कि उन्हें रोड पे न उतरना पड़े, कुछ ज्यादा वो नहीं मांग रहे, वो जल जंगल जमीन उनका हमेशा से एक ही नारा रहा है, वो भी अभी भी वही है, तो उस पर कितना अमल और कितनी जल्दी अमल करना चाहिए कि जिससे ये समाज नाराज ना रहे। देखिए मैं मानता हूँ कि जल जंगल जमीन जो है एक अच्छा नारा है, लेकिन भारत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के पहले के 150 वर्षों का अगर आप देखें तो ये एक विडंबना तो है कि जो सबसे अमीर धरती है जहाँ पे प्रचुर मात्रा में हर प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है वहाँ पर रहने वाला हमारा जनजाति समाज जो है सबसे गरीब है, और वहाँ से निकले हुए जो संसाधन है चाहे खनिज हो चाहे वन हो चाहे तमाम चीजें हैं उनका दोहन करके बड़े बड़े उद्योगपति कॉरपोरेट घराने करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, वो लाभ वहां तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि देश के संसाधन अगर इन क्षेत्रों में हैं तो आप पूरी तरह से उनको बंद नहीं कर सकते, किसी न किसी संवैधानिक दायरे में उनका उत्खनन किया जाएगा और किया जाना चाहिए भी। लेकिन जो नेताम जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही मैं उससे आपकी बात उससे ध्यान दिलाना चाहता हूँ
कि जो पेशा एक्ट है, मुझे लगता है जनजाति समाज के सबसे बड़ी मांग जो है वो पेशा एक्ट को लागू करना है। दिग्विजय सिंह सरकार ने 1996 में इसे बना तो दिया, लेकिन ना उन्होंने लागू किया, ना उसके बाद की कांग्रेस सरकार ने लागू किया, ना भाजपा की सरकार ने लागू किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को लागू करने में भी एक बहुत बड़ी अड़चन है, और वो यह है कि हमारे वनवासी क्षेत्र में ही एक माओवाद की जो सबसे बड़ी समस्या है, और माओवाद समर्थित जो एनजीओ के लोग हैं जो जिस प्रकार से आदिवासियों को बरगलाते हैं या पत्थलगढ़ी टाइप की जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो कहीं पेशा एक्ट लागू होने के बाद कहीं दुरुपयोग न करें, और आदिवासियों को जो हक मिलना चाहिए वो हक उस तरफ न जाके किसी दूसरी तरफ न चले जाए। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए पेशा एक्ट को लागू करना तत्काल जरूरी है, इसका नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है आदिवासी समाज के सर्व आदिवासी समाज के नेताओं से बैठकर सरकार को बात करनी चाहिए, और ये बात तय करना चाहिए कि इसको किस तरह से एक के बाद एक कदम उठाकर पेशा कानून को लागू किया जा सकता है। और मैं दूसरी बात कहना चाहूँ कि राज्यपाल के पास जो आदिवासी क्षेत्रों को लेकर एक विशेष अधिकार है, हमारे प्रदेश में राज्य बनने के बाद में किसी राज्यपाल ने वो दायित्व तो नहीं निभाया। मैं ये भी मानता हूँ कि राज्यपाल को अपने दायित्व सरकार के साथ साथ जो राज्य जो जनजाति क्षेत्र के संबंधित जो उनके अधिकार हैं उनको उनको अनुसूचित का जिक्र आता है पालन करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए अरविंद नेताम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ शशांक जी आपका भी, और राजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आदिवासी आंदोलन की राह पर हैं, क्यों ऐसा उन्हें आखिर करना पड़ रहा है, जिससे देखा जाए कि आदिवासी समाज ने सीएम को, चाहे वह यहां पर कांग्रेस की सरकार हो या फिर खुद सीएम भूपेश बघेल हो, उनके बिठाया है, अगर वो मुख्यमंत्री के शासन ने उन्हें दिया है संभालने के लिए राज्य को, तो उनका फर्ज बनता है कि उन्हें सड़क पर